हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द अरिहंत 14,000 क्वेश्चंस विद द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। ये रेडीली अवेलेबल नहीं होता है, मैंने सारे क्वेश्चंस कंपाइल कर दिए एक साथ। इसको पढ़िए, आपका बहुत बेनिफिट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्स कबीर रोट अवधि, कबीर अवधि में लिखते थे। वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? पुष्कर फेयर जो है अजमेर में होता है, राजस्थान अगर स्टेट पूछे तो। विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट? ये सलार जंग म्यूजियम को स्टोर हाउस बोला जाता है। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन नौरोज फेस्टिवल? पर्शियन नौरोज मतलब कि ये ईरान से आया था, आई आर एन ईरान, और ये बलबन ने किया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज फेमस एसमी फेस्टिवल? ये ओनम हो जाए, सॉरी ये हो जाएगा रोंगाली बिहू। ओनम जो है वो केरला का है, ये उगाड़ी जो है वो कर्नाटका का है, और मकर संक्रांति इंटायर नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली यूपी बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप? मलयालम, ये केरला का भी लैंग्वेज है और केरला और लक्षद्वीप काफ़ी करीब है, इस वजह से इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। इन विच स्टेट इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड? आई गेस ये सबको पता होगा, बहुत धूमधाम से महाराष्ट्र में किया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका आंसर हो जाएगा तमिल। रथ यात्रा एट पुरी सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ? ये जगन्नाथ जी, लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के ऑनर में किया जाता है। और जगन्नाथ जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? व्हाइट पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, सन टेम्पल कोनार को बोला जाता है। ये दोनों ही उड़ीसा में है। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु इज? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, ओनम तो मैंने बताया केरला का है, और बिहू जो है वो है असम का। पापेटी इज द फेस्टिवल ऑफ? पापेटी जो है पारसीज का फेस्टिवल है। हु विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वॉज गिवन एज गुरु दक्षिणा बाई पांडवास टू गुरु द्रोणाचार्य? गुड़गांव को दे दिया था। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गुरु गुरुगांव, ओके। जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन फेस्टिवल? जलीकट्टू जो है वो पोंगल के साथ एसोसिएटेड है। मतलब अगर पूछे कि जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, तो आप लोग बोलेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु ओनम बता दिया, केरला से है, बिहू जो है असम से, और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है। जब से मोदी जी मनाने गए ना, ये बहुत फेमस हो गया ये फेस्टिवल। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग? ये राजा रवि वर्मा जी हैं जो फेमस पेंटर हैं। ले कार्बूसियर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज अ नेशनल ऑफ? ये जो है फ्रांस के नेशनल थे। इन विच फील्ड ऑफ आर्ट जामिनी रॉय मेक हिज नेम? तो ये हो जाएगा पेंटिंग, वो पेंटर थे। वेयर इज द स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम लोकेटेड? अक्षरधाम ये तो हम लोग को पता होता है गुजरात में, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया, दो जगह गुजरात है, पर्टिकुलरली कहाँ है? गांधीनगर में। वॉट डू द पेंटिंग्स ऑफ जातका डिपिक्ट? जातक पेंटिंग क्या बताता है? ये जात, अरे अजंता का पेंटिंग क्या डिपिक्ट करता है? जातक। और इसका मतलब क्या? जातक टेल्स प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बात करते हैं, और बोलते हैं कि नया मतलब जो आने वाले मैत्री, फ्यूचर बुद्ध का नाम क्या होगा? मैत्रिया, ठीक है। वेयर डिड द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडियन हेरिटेज डेवलप? ये हुआ था किशनगढ़ में, ठीक है। इन विच स्टेट इज द फोक पेंटिंग मधुबनी पॉपुलर? बिहार में है फेमस। हु वॉज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग कॉल्ड भारत माता? भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। द गांधारा आर्ट फ्लश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? ये कुशान के टाइम पे हुआ था, कुशान राजा वही कनिष्क। गांधार जो है ग्रे सैंडस्टोन में बनता है, और मथुरा जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये रेड सैंडस्टोन में बनता है, और हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क जो है वो भी रेड सैंडस्टोन में दिखा था। और मथुरा और गांधार आर्ट दोनों ही कुशान के टाइम पे, मतलब कनिष्क के टाइम पे जो है फ्लरिश किए थे। अब मैच करना है, अमृता शेरगिल क्या है? अमृता शेरगिल जो है ये देखिए, ये हो जाएंगी पेंटर। तो ए ऑप्शन में ऐसे देखना है कि पेंटिंग कहाँ पे है, ये पहले ऑप्शन से ही मिल गया। तो आपको जैसे कुछ भी पता रहे ना, तो आप आंसर्स फिगर आउट कर पाते हैं, लेकिन हम लोग आगे भी देखते हैं। बी में क्या है? टी स्वामीनाथ पिल्लई, तो ये क्या है? ये जो है फ्लूट बजाते हैं। सी में क्या है? कलमानंद कृष्णन नायर, ये बेसिकली कथकली से एसोसिएटेड है।
और दिल्ली जो ऑप्शन है पद्मा सुब्रमण्यम, ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। हु वॉज द पाइनियर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? अवनींद्रनाथ टैगोर। अभी बताया था भारत माता का पेंटिंग बनाया था उन्होंने। राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ आर्ट आर फेमस फॉर पेंटिंग। पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब पेंटिंग से एसोसिएटेड है। हु पेंटेड द मास्टर पीस ऑफ हमसा दयावंती? ये अभी रिसेंट में WBSI मतलब वेस्ट बंगाल सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। राजा रवि वर्मा इसका आंसर होगा। जामिनी रॉय गॉट डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप देख लीजिए, बेसिकली क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको फायदा है अगर आप ये करते हो तो। कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग, एंड अगर कोई भी तरह का डिमांड होगा आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आराम से बेझिझक होके पूछिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ सिख रिलीजन हेरिटेज इज नॉट इन इंडिया? इंडिया में कौन सा नहीं है? तो ये ननकाना साहिब में है, ठीक है, ननकाना साहिब जो इंडिया में नहीं। चलिए, हु अमिट्स द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर? स्कल्पचर कौन अच्छा बनाता है, मतलब नाम किसका है? राम किनकर का, राम किनकर। हु अमिट्स द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विश्ड पेंटर? ये तो हम लोग को पता चल चुका है, अमृता शेरगिल। वॉट इज द फील्ड इन विच प्रदोष दासगुप्ता डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ? तो ये जो है स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकार जो होते हैं, ठीक है, मूर्तिकार हैं ये। राजा रवि वर्मा ऑफ केरला वॉज डिस्टिंग्विश्ड? देखिए फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन में ना आएगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो क्वेश्चंस कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में दे रहते हैं और फ्यूचर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसी क्वेश्चन में एक आंसर छुपा हुआ रहता है। तो राजा रवि वर्मा पता है हम लोगों की पेंटर है तो इसका आंसर हो गया पेंटर। अ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर विथ अ डोम शेप्ड रूफ इरेक्टेड ओवर अ सेक्रेड रिलिक्स ऑफ बुद्धा इज नोन एज, इसको बोलते हैं स्तूपाज। द बर्थ प्लेस ऑफ एन आइकॉनिक पर्सनैलिटी अमृता शेरगिल, इसका आंसर होगा हंगरी, वो हंगरी में बॉर्न हुई थी और हंगरी का कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? द आंसर विल बी बिहार सिंस वी नो इट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। ललित कला अकेडमी इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ फाइन आर्ट्स। ललित कला इज एसोसिएटेड विथ फाइन आर्ट्स। कलरी पयट इज द मार्शल आर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। केरला से कलरी पयट जो है एसोसिएटेड है। द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू आर अ सेक्रेड पिलग्रिमेज फॉर द जैन्स। जैन्स के लिए है दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू का राजस्थान में। द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हो सकता है बिकॉज इंडिया गेट से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ था अभी करंट अफेयर्स में। आप लोग को पता है कि वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी के होलोग्राम को, 3D होलोग्राम को लेके बात हुई थी, तो बेसिकली इस वजह से आप जो है इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति का भी सीन, मतलब आपको पता है तो ये रखिएगा कि इसको नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच, अभी मैंने डिस्कस किया था, आप अगर मेरे एक्सप्लेनेशंस को भी सुन रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। काइंडली नोट इट डाउन, लाइक करिए सेशंस को, सब्सक्राइब कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला क्या है? महाकाल टेम्पल उज्जैन, ये सही है। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ये भी सही है। सन टेम्पल कोणार्क, ये भी सही है। जैन टेम्पल खजुराहो, नहीं, द जैन टेम्पल जो है वो है दिलवाड़ा में, मतलब ठीक है माउंट आबू राजस्थान, और खजुराहो जो है वो MP में है। यहाँ शिव जी और जैन का दोनों का ही वो है, ठीक है, कंडरिया महादेव का टेम्पल है। कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू, कलमकारी क्या होता है ना कि कॉटन टेक्सटाइल में बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग बनता है उसके ऊपर, तो ये आप एक बार गूगल करके देखिएगा, बहुत सुंदर लगेगा। राजा रवि वर्मा वॉज अ ग्रेट पेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये केरला से है। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस इंडियन पेंटर? तो इसमें से इंडियन पेंटर कौन है जो फेमस है? वो है MF हुसैन। यामिनी कृष्णमूर्ति ना डांसर है, ठीक है। रंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट, ये श्रीरंगम में जो है प्रेजेंट है।
इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस द स्टोरी और थीम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण. ये लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कौन से डांस महाभारत और रामायण की स्टोरीज को और थीम को लेकर दर्शाया जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम. विच अमंग द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर. विच अमंग द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर. इसका आंसर होगा तमाशा. तमाशा, ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी फाइंड डिफरेंसेज इन द साउंड्स मेड बाई सितार एंड वीना. ये क्यों डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि क्वालिटी अलग रहता है. क्वालिटी, ठीक है, जो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है. साउंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगी. वॉट इज विश्व मोहिनी. ये एक्चुअली टाइटल है जो लता मंगेशकर जी को दिया गया था. हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. हु अमंग्स द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन हिज द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक. तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जसराज. पंडित जसराज. Who among the following is not known for popularizing Thumri form of Indian music? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो. अमीर खुसरो तो पोएट थे ना, जो बलबन के टाइम पे थे और जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनके डेक्कन एक्सपीडिशन पे भी गए थे. Which of the following is not a stringed instrument? मतलब जिसमें तारे नहीं, जैसे गिटार विटार में लगा रहता है वैसा नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रम्पेट. ट्रम्पेट ना, तो वो जो भोंपू बजाते हैं ना बच्चे, वही होता है. उसी का थोड़ा एक हाई फाई बात हो जाता है और कुछ नहीं. कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश. अच्छा, ये ना ऐसे करके याद कर सकते हैं कि पूड़ी है तो पूड़ी को हम लोग आधा खाए, किसी बच्चे ने आधा पूड़ी खाया तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी ऐसे करके. अच्छा, अब आर्टिस्ट और आर्ट फॉर्म्स को हम लोग को मैच करना है, तो इसका आंसर फिगर आउट किया जाए. तो इसका हम लोग चलिए मैच करना शुरू करते हैं. जतिन दास जी क्या है? जतिन दास जी जो हैं वो हैं पेंटर, और उस्ताद विलायत खान वेरी फेमस सितार बजाने वाले हैं, ठीक है. अब देखिए परवीना सुल्ताना जो है वो क्या है, देख. और यहाँ पे ना ये म्यूजिकल वोकल जो है ना, ये हिंदुस्तान म्यूजिकल वोकल का बात हो रहा है, वो यहाँ आ जाएगा. गलती से लिखा हुआ है वहाँ पे, वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री, मतलब बी का थ्री. और प्रदोष दास गुप्ता जी जो है वो स्कल्पचर है. तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए का टू, बी का थ्री, सी का फोर और फोर का डी का वन. तो ये हो गया ऑप्शन टू. आप एक बार फिर से पढ़िएगा लेक्चर को, वापस से सुनिएगा, बहुत याद होगा उससे. Who among the following music composer was deaf? Beethoven, LV. Just imagine. This itself is it. Why is it important? Because एक deaf इंसान ने music composer बन के खुद को साबित किया. Who is considered the father of sitar? Father of sitar ये अमीर खुसरो को बोला जाता है. He founded sitar. अच्छा, if there is a question that the oldest musical instrument, oldest बोलेगा तो क्या होगा? वो हो जाएगा वीना, जो सरस्वती जी बजाती है ना, वो वीना. मैच द आर्टिस्ट विद देयर आर्ट फॉर्म्स. अच्छा, पन्ना लाल घोष जो है वो फ्लूट बजाते हैं. अब ऑप्शन बी में क्या है? अच्छा, पहले से ही पन्ना लाल घोष हमने डिस्कस किया, इससे देखिए आप आंसर की तरफ पहुंच गए कि ए का थ्री होगा. बट उसके बाद भी डिस्कस करते हैं. भीमसेन जोशी जी के बारे में भी डिस्कस किया हम लोगों ने कि वो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है. अब अंजलि एओला जो है वो है पेंटर, और मदुराई मनी अय्यर ये कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ठीक है. उस्ताद खान इसमें भी सेम चीज़ है मैच करने के लिए. अच्छा, बिरजू महाराज अभी रिसेंट में वो जो है गुजर गए, तो इम्पॉर्टेंट है. और ये हम लोग को पता है कि वो कथक से एसोसिएटेड है, और घराना पूछे तो वो लखनऊ घराना से एसोसिएटेड है, ठीक है. अच्छा, हेमा मालिनी जो है वो भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है. क्या भरत अलाउद्दीन नहीं होगा, भरतनाट्यम, ठीक है. अब देखिए ये जो बहुत फेमस, अगर आपको पता है तो आप बी का वन खोजिए, बी का वन और सी का फोर. तो आप ऑप्शन, मतलब कुछ ऑप्शंस के थ्रू आंसर की तरफ पहुंच गए. उसके बाद देखिए क्या है, उस्ताद खान सरोद, ये भी बहुत फेमस है, बट फेमा मालिनी सिंस मूवीज में है तो हम लोग को ज़्यादा आइडिया रहता है उनके बारे में. और उसके बाद क्या है,
कि बचा कौन सा, शिव कुमार शर्मा, ये सरोद बजाते, ही टू इज वेरी फेमस। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ गया। विच इज़ द फर्स्ट कलर मूवी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे जो भी है वो सब गलत है, क्योंकि जो फर्स्ट कलर मूवी आया था वो आया था किसान कन्या। ठीक है, किसान कन्या, और बुक में आंसर ऐसे गलत है, बल्कि मैं आपको सही बता देती हूँ, ये 1937 के दौर में आया था। ठीक है, मेजर एरिया वेयर गरबा डांसेस परफॉर्म, ये गुजरात में होता है। दया बेन जो है करती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उनसे याद रख। ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन विथ इट्स ओरिजिनल नेम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन द ईयर 1927। विच इज द फॉलोइंग, विच इन द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो संतूर है। ठीक है, विच हैज़ बीन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ पंडित भीमसेन जोशी, ये तो है क्लासिकल म्यूजिक वोकल, हम लोग अभी हम लोग डिस्कस किए। वेयर डिड द डांस फॉर मोहिनी अट्टम डेवलप, अच्छा केरला में दो डांस, एक तो कथकली, कथकली और मसक्कली, कथकली ऐसे याद रखिए, तो कसक्कली, मसक्कली, कथकली, मोहिनी अट्टम, एम के ऐसे करके। ठीक है, अच्छा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मार्शल डांस, मार्शल डांस कौन सा है इसमें से, तो वो छऊ जो मयूरभंज का है वो हो जाएगा। ठीक है, और बैम्बू डांस मेघालय का, इसको चेराओ भी बोलते हैं, चेराओ। ठीक है, CHERAW। गुरु केलुचरण महापात्रा वॉज अ माइस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स, ये उड़ीसी के हैं। ठीक है, और सरनेम से भी थोड़ा थोड़ा तो पता चलता है, मोहपात्रा जो है ये उड़ीसा के लोगों का सरनेम रहता है जनरली। ठीक है, अच्छा अब आर्टिस्ट और उनके डांस फॉर्म्स को हम लोग को वापस से मैच करवाना है। देखिए संजुक्ता पानीग्राही जो है वो उड़ीसी डांसर है, ए का 4 है ऑप्शन। ठीक है, तो इससे हम लोग को देखिए आंसर एक पता रहने से पता चल जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग और देखेंगे। ठीक है, अब देखिए गोपाल कृष्ण अय्यर, गोपाल कृष्ण अय्यर जो है वो है वायलिन बजाते हैं। ठीक है, और रविशंकर जी के बारे में भी हमने अभी पढ़ा कि वो सितार बजाते हैं। ठीक है, और पालघट मणि अय्यर जो है वो मृदंगम बजाते हैं। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन 2। विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फिल्म फीचर इन इंडिया, ये आलम आरा और हरीश, राजा हरिश्चंद्र जो पहला मूक मतलब कि बिना साउंड वाला फिल्म था। यामिनी कृष्णमूर्ति इज फेमस फॉर विच स्टाइल ऑफ डांसिंग, भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये तो हम लोग ने अभी पढ़ा था कि ये जो है पंडित जसराज जी हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज इज वेल नोन फॉर द एम्ब्रॉयडरी ऑफ चिकनकारी, अरे ये लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा, लखनऊ का जो है चिकनकारी का कुर्ता बहुत आजकल फेमस है और हमेशा से ही फेमस है एक्चुअली। हीर सॉन्ग, हीर सॉन्ग जो है हीर हीर में वो जो गाना था ना कटरीना कैफ गाती है, तो उसमें वो शायद पंजाबी बनी होती है, तो ऐसे करके याद रखिए पंजाब से है। ठीक है, गरबा तो दयाबेन करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, रास जो है ना ये उत्तर प्रदेश में होता है, और भीताली सॉन्ग जो है वो हो जाएगा बंगाल। तो अब ऑप्शन लगाइए आप, ए का हो गया 2, ए का 2 मतलब कि ये और पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कट गया। उसके बाद जो है भीताली सॉन्ग डब्लू वेस्ट बंगाल मतलब डब्लू बंगाल, तो ये हो जाएगा आपका बी का 1 मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, तो पेंटिंग किसके द्वारा फेमस किया गया था, ये तो आपको पता है राजा रवि वर्मा। विच इज द मोस्ट एंशंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, ये देखिए मैंने बताया था ना ये वीणा, वीणा जो है ये मोस्ट एंशंट है। विच आउट ऑफ हु आउट नहीं होगा, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ग्रेट मास्टर ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, तो इसका आंसर होगा विष्णु दिगंबर पालुस्कर। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डांसर्स इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ उड़ीसी स्टाइल, तो देखिए
यहाँ पे ना संयुक्ता पाणिग्राही हम लोग डिस्कस किए उड़ीसा, सोनल मानसिंह भी हैं, माधवी मुग्दल जी भी हैं, ये जो पद्मा सुब्रमण्यम है ये भरतनाट्यम डांसर है, तो ये उड़ीसी नहीं है, उड़ीसी डांस फॉर्म को फॉलो करने वाली नहीं है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हवा से जो है बजाया जाए वो है नादेश्वरम, नादेश्वरम। इन विच ऑफ दी फॉलोइंग डांस फॉर्म्स बिरजू महाराज अटेंड प्रोमिनेंस, ये कथक डांस है और लखनऊ घराना है इनका। मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विथ, वो डांसर है, क्लासिकल डांसर है मल्लिका साराभाई। हु इज बिलीव टू हैव क्रिएटेड द रागा मियाँ की मल्हार, ये तो तानसेन द्वारा बनाया गया है। विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज हरी प्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड, वो बांसुरी बजाते हैं। हरी, अच्छा हरी होता है ना कृष्ण जी को बोलते हैं, तो कृष्ण जी क्या बजाते थे, बांसुरी। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि हरी प्रसाद चौरसिया जो है फ्लूट बजाते हैं, मतलब बांसुरी बजाते हैं। अच्छा ये वापस से मैचिंग आया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाते हैं, ठीक है। तो बी का वन, सॉरी सी का, क्योंकि ये ऑप्शन सी, मतलब ये क्वेश्चन ये सी है, तो सी का वन देखिए एक, मतलब ये पता रहने से ही पता चल गया, लेकिन ये एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में बिस्मिल्ला खान के बारे में पढ़ाया गया है, तो इस वजह से ये उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। खैर उसके बाद क्या है, देखिए असद अली खान ये वीणा बजाते हैं, ठीक है। मल्लिकार्जुन जो है वो बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक गाती हैं, एसोसिएटेड है उससे। और बिस्मिल्ला खान जी तो हो गया शहनाई, और टी एन कृष्णा जो है वो एसोसिएटेड है वायलिन से, तो हम लोग का ऑप्शन हो गया टू। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन सरोद, तो ये फोर स्ट्रिंग्स हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, ये तो पता ही है हम लोगों के, अमीर खुसरो जी सितार जो है इन्वेंट किए थे, सरोद का बात कहाँ से आया, ठीक है। उत्पल दत्ता फिल्म से, भीमसेन जोशी वोकल म्यूजिक, शंभू महाराज जो है कथक से, तो हम लोग डिस्कस कर लिया। अमजद अली खान इज ए माइस्ट्रो ऑफ, तो ये जो है सरोद के माइस्ट्रो हैं, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। विथ स्टेट इज द फोक डांस गरबा एसोसिएटेड, गरबा दयाबेन करती हैं गुजरात से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोल रहा है, तो हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले कि पन्ना लाल घोष जो है वो फ्लूट बजाते। उसके बाद गुरु गोपी कृष्ण ये कथक से हैं, नंदलाल बोस पेंटिंग से है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निखिल बैनर्जी। निखिल बैनर्जी ना वो सितार बजाते हैं, ठीक है, निखिल बैनर्जी सितार बजाते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग फोक डांसेस इज एसोसिएटेड विथ राजस्थान, इसका आंसर होगा सुई सीनी, विधि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। रॉफ जे एन के, ठीक है। झोरा ना ये कभी कभी उत्तराखंड ऑप्शन में आता है और कभी कभी यूपी आता है, दोनों में से जो आए आप मार्क कर दीजिएगा। चलिए विच ऑफ दी फॉलोइंग ट्राइबल और फोक डांसेस इज एसोसिएटेड विथ कर्नाटका, ये यक्षगन, यक्षगन क्यों, विधि तो अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश। उसके बाद जात्रा जो है ये वेस्ट बंगाल में होता है, और झोरा जो है ये मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग फोक और ट्राइबल डांसेस इज एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश, तो ये थोरा नहीं होगा, ये झोरा होगा, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ जे एन के, अभी मैंने बताया था रॉफ हो जाएगा इसका आंसर। बेसिकली आप देख रहे कि अगर आप ऑप्शंस पढ़ के और आंसर्स करते हैं ना तो आपको मिल जाएगा आंसर्स, आप पढ़ते रहिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो दे रही हूँ वो सुनते रहिए, जो नहीं पता उसको नोट करते रहिए। कंसीडर सब्सक्राइबिंग प्लीज एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू टंग। कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ, अभी बताया था कुचिपुड़ी और आधा पुड़ी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आधा पुड़ी खाया मैंने, ऐसे याद करिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट्स इज नौटंकी अ फोक डांस, नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश में फोक डांस है। गुरु गोपीनाथ वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ,
ही वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ कथकली. ठीक है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कुचिपुड़ी डांस ड्रामा, ये अभी डिस्कस किया था, आंध्र प्रदेश, बताने का कुछ नहीं है. विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सत्यजीत रे, इन तो बहुत अच्छे अच्छे फिल्म डायरेक्ट किए इन्होंने, डायरेक्शन ऑफ फिल्म हो जाएगा. ताबोल चोंगली इज अ फॉर्म ऑफ फोक डांस, की होगा ये फोक डांस एसोसिएटेड विथ असम. ताबुल चोंगली असम से एसोसिएटेड. हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विश उड़ीसी डांसर, इसमें से, अच्छा अब देखिए, इज अ डिस्टिंग्विश उड़ीसी डांसर. तो यहाँ पे देखिए, ये सोनल मान सिंह और संयुक्ता पानीग्रही दोनों ही हैं. हेमा मालिनी का तो हो गया भरतनाट्यम, ठीक है, ये दोनों ही उड़ीसी के डांसर्स हैं, उड़ीसी के एक्सपोनेंट्स हैं. विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक इन विच उस्ताद अमजद अली खान हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, उस्ताद अमजद अली खान जो है वो सरोद बजाते हैं. हु अमिडस्ट द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विश्ड तबला प्लेयर, ये अल्लाह राखा जो है वो तबला बजाते हैं बहुत अच्छा. विच इज द फील्ड इन विच उस्ताद बिस्मिल्ला खान हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, बिस्मिल्ला खान जो है शहनाई बजाते हैं. पद्मा सुब्रमण्यम इज एन एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइक द अदर्स, इसमें क्या है ना कि 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में, उसमें से कथकली कुचिपुड़ी भरतनाट्यम ये तो है ही, लेकिन भांगड़ा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भांगड़ा. और बाकी सारा कौन कौन सा है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, कथक है, ठीक है, ये सब है. पंडित शिव कुमार शर्मा इज एन एक्सपोनेंट ऑफ, ये जो है सरोद बजाते हैं, सॉरी पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो है संतूर बजाते हैं. वेयर डू द स्ट्रिप टीज आर्टिस्ट वर्क, दे वर्क इन कैबरेट्स. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म अभी मैंने बताया था कि 8 क्लासिकल डांस है, उससे भरतनाट्यम भी है. वॉट इज द क्रिएटिव आर्ट इन विच सोनल मान सिंह डिस्टिंग्विश्ड, वो जो है डांस करती है, उड़ीसी डांसर है, ठीक है. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म, ये तो हम लोग को पता है, कथकली अभी मैंने बताया था, 8 में से एक ये भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्नेटिक म्यूजिक, तो इसमें जो है कर्नाटिक म्यूजिक कौन सा नहीं है, टप्पा कर्नाटिक म्यूजिक नहीं है. द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वॉज, ये मैंने बताया था. अलमारा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप बस इतना समझिए. उड़ीसी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन, उड़ीसी से ही समझ में आ रहा है उड़ीसा का डांस है. द डांस कथकली इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि मोहिनीअट्टम और एमके ऐसे करके, मोहिनीअट्टम कथकली केरला से, केरला मोहिनीअट्टम ऐसे करके याद रखिए. हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस तबला प्लेयर, तबला प्लेयर कौन है इसमें से, तो वो जो है जाकिर हुसैन है. अल्लाह राखा का भी नाम हम लोगों ने पढ़ा है ना. गिद्दा, ये तो गिद्दा पावे ऐसे करके वो बहुत फिल्म सीरियल्स में दिखाते ही हैं, तो आपको पता ही होगा पंजाब है इसका आंसर. बिहू इज अ फेस्टिवल दैट इज ऑब्जर्व्ड इन, ही हमने बताया था आपको, ये इसका आंसर असम होगा. अच्छा अब वापस से मैच द फॉलोइंग आ गया, भरतनाट्यम कहाँ है, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में. कुचिपुड़ी आधा पुड़ी ऐसे मैंने बताया था आंध्र प्रदेश. उड़ीसी तो उड़ीसा समझ में आ रहा, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम कथकली. अब ए का फोर देख लो, देखो पहले से ही आ गया, ठीक है. वॉट इज द नेम ऑफ द फेमस फोक डांस ऑफ भील, भील जो है गवरी करते हैं, गवरी. और भील कौन से राज्य में है ये आप मेरे को बताइएगा. शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर, शिव कुमार शर्मा जी क्या बजाते हैं, तो ये बजाते हैं संतूर. संयुक्ता पानीग्रही इज फेमस फॉर डांस ऑफ उड़ीसा, सोनल मान सिंह, संयुक्ता पानीग्रही, ये सब उड़ीसी डांसर्स है. कथकली डांस क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन, ये मैंने बताया था केरला. तो बेसिकली मैं आपको यही बोल रही हूँ कि मेरे ऑप्शन, मैंने जो आपको पढ़ा रही हूँ मैं, उसका ऑप्शन से एक बार ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन, सो आपको कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. भांगड़ा इज अ डांस ऑफ, भांगड़ा कहाँ का डांस है तो पता ही है, पंजाब का है. डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ गुजरात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड फोक डांसेस, अच्छा ये जो केरला का करग्रम दिखा रहा है ना, ये करग्रम इसका नहीं है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है.
और उत्तर प्रदेश में नौटंकी, वेस्ट बंगाल जतना नहीं जात्रा, JATRA, वेस्ट बंगाल का है जात्रा, और गुजरात का गरबा है, ये उत्तर प्रदेश का है, बेसिकली केरला का करगम नहीं है, तमिलनाडु का है, ठीक है। सतरिया डांस फॉर्म, ये जो है असम का है, ठीक है, ये भी जो है आपका क्लासिकल, 8 में से ये भी एक क्लासिकल डांस में है। इन विच ऑफ दी फॉलोइंग फिल्म्स डिड प्राण होगा, ये एक्ट एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट नॉट इन द रोल ऑफ, देखिए ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग फिल्म्स वॉज नॉट डायरेक्टेड बाई सत्यजीत रे, तो ये अपराजिता, चरुलता, पाथिर पाचाली, ये सब सत्यजीत रे ने डायरेक्ट किया था, बट सलाम बॉम्बे इनका नहीं है। द नेम ऑफ दी ग्रेट माइस्ट्रो ऑफ इंडियन म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्ला खान इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई, वो शहनाई बहुत अच्छा बजाते थे। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज इज नेम्ड एज तोरा, तोरा, ठीक है, और जेंड अवेस्टा किसका है, जोराष्ट्रियंस, जोराष्ट्रियंस, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 1931 वॉज आलम आरा, और 1913 में क्या हुआ था, हरिश्चंद्र, जो कि फर्स्ट मूवी थी लेकिन बोलती नहीं थी, मतलब बिना आवाज़ की मूवी था। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज, तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर होगा ध्रुपद, ध्रुपद जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कॉम्पोजिशन है। रंगा कामेश्वरी वॉज कंपोज बाय, इट वॉज कंपोज बाय पंडित रवि शंकर। द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश इज, अभी मैंने बताया कि क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश का आधा पूड़ी कुच्ची पूड़ी, ऐसे याद रखने के लिए। हु डायरेक्टेड द फिल्म ऑन द डेकॉइट क्वीन फूलन देवी, ये शेखर कपूर ने बनाया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा गरबा। विच अमंग फॉलोइंग इज द फर्स्ट टॉकी फिल्म आलम आरा, अभी आया था क्वेश्चन, क्वेश्चंस देखिए आप बस एनालाइज करिए कि मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, अगर आप ये करते हैं तो आपको मदद मिलेगी, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। हरि प्रसाद चौरसिया इज अ रिनाउंड फ्लूट प्लेयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस ड्रामा म्यूजिक इन इंडिया, तो ये जो है ना संगीत नाटक अकेडमी फॉस्टर करती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भरतनाट्यम डांसर, तो देखिए सोनल मानसिंह जो है, ये तो बहुत बार बता दिया मैंने कि ये उड़ीसी हैं, ठीक है। अब सितारा देवी, गीता रामचंद्र, लीला सैमसन, ये लोग सब जो है भरतनाट्यम डांसर है। कथकली डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों ही केरला से, और कथक बोले सिर्फ KATHAK, तो वो नॉर्थ इंडिया दे दीजिएगा, और अगर उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली रहे तो उत्तर प्रदेश दीजिएगा। विच म्यूजिकल फ्रेमवर्क वंस प्रेजेंट इन बृहदेशी एंड एंशियंट टेक्स्ट ग्रुप, टेक्स्ट गॉट ग्रुप्ड इनटू फ्लोक एंड क्लासिकल म्यूजिक, इसका आंसर होगा रागा, रागा को जो है फोक और क्लासिकल म्यूजिक में मिला दिया गया। पंडित लच्छू महाराज हु पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद तबला, बहुत अच्छा तबला बजाते थे, एक्सपोनेंट ऑफ तबला थे ये। शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर प्लेइंग संतूर। पन्नालाल घोष, ये तो बहुत बार डिस्कस किया, देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं अलग अलग साल में, इसलिए रिपीट हो रहे हैं। विच इज द पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस इन असम, ये है बीहू, बीहू, ठीक है। इब्राहिम अलकजी इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, सो ही वॉज फेमस इन थिएटर। सतरिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम, ओके। भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, तो भीमसेन जोशी जो है क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है, मैंने बहुत बार बता दिया इसी लेक्चर में। रागिनी इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। बिरजू महाराज इज अ वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ कथक, और लखनऊ घराना से हैं ये। कोलट्टम एंड चोलिया आर डांस फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द टू स्टेट्स, तो कोलट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश से है और चोलिया जो है वो उत्तर प्रदेश से है, तो इसका आंसर हो गया टू, ठीक है। जुबीन मेहता वॉज इज एसोसिएटेड विथ,
ही इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन पुणे. 10th हार्ट्स और स्केल्स बिलोंगिंग टू विच सिस्टम ऑफ म्यूजिक? ये हिंदुस्तानी म्यूजिक. ये देखिए ये आ गया है, ठीक है. अगर रिपीट हुआ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया रहेगा आपका, आप कर लेंगे, ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर बिलोंगिंग टू गुजरात? तो गुजरात तो भवई, ठीक है, भवई. रास देख लिया हम लोग उत्तर प्रदेश, जात्रा वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमाशा जो है वो है महाराष्ट्र, ठीक है. Who played the lead character in Bandit Queen? तो ये सीमा बिस्वास जी ने Bandit Queen फूलन देवी के ऊपर है ये स्टोरी, तो ये सीमा बिस्वास ने देखा था, लीड कैरेक्टर प्ले किया था. Where is the Film and Television Institute of India located? ये पूना में है, ठीक है. Now correlate the field of activities of the following eminent person and their forte. अच्छा, अभी तक मैंने अगर जो भी पढ़ा है अगर ध्यान से सुना है आप लोगों ने तो ये दोनों तो कॉमन आपको दिख ही जाएगा. जामिनी रॉय पेंटिंग से एसोसिएटेड है, जुबीन मेहता म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ठीक है. तो आप जो है पहले फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि इन दोनों ऑप्शन से आपको क्या आंसर मिल पा रहा है. तो ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा, थ्री. अब ये टू वापस क्यों लिखा, वही ये काटिए. तो दिल्ली का ऑप्शन हो जाएगा 3 और बॉम्बे का ऑप्शन होगा, मतलब बी का ऑप्शन होगा म्यूजिक, मतलब 4. तो देखिए आपको आंसर मिल रहा है, लेकिन अभी आप ये भी जान लीजिए कि थॉमस फ्रीडमैन इनका इनको जो है ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है और इस्माइल चुगताई ये जो है लिटरेचर से एसोसिएटेड है. द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड द तानसेन सम्मान? ये मध्य प्रदेश और ये बहुत रेनाउंड वेल रेनाउंड ये है अवार्ड है. नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, वही जो फलों का राजा है वही हमारा भी नेशनल फ्रूट है, मैंगो. आर के लक्ष्मण डाइट, देखिए ये तब जो है इंपॉर्टेंट था इसलिए पूछा. अभी जो रिसेंट में जैसे लता मंगेशकर जी गुजरी, पंडित बिरजू महाराज जी गुजरे, तो आर्ट एंड कल्चर से उनका क्वेश्चन आ सकता था. बट बेसिकली आर के लक्ष्मण के बारे में जानना भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा फेमस कार्टूनिस्ट रह चुके हैं. चार्ल्स कोरिया इज अ वेल रिनाउंड इंडियन आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, ठीक है. दिस सम्स अप द एंटायर सीरीज. थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूइंग. इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन लाइक, share, kindly share and subscribe. It will be a huge help to me and a motivation to me. Chalo, bye bye.